आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शारवस किचन। आज हम अपने किचन में आपके साथ बनाएंगे बहुत ही आसान, सिंपल और कम इन्ग्रीडियंट में बनने वाली भिंडी की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर आपकी भूख एक रोटी की होगी तो आप इससे दो रोटी खा लेंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने 1 किलो भिंडी ले ली है, अच्छे से वॉश करके काट ली है। 150 ml हमने ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस करके डाल देंगे और इसको गोल्डन फ्राई करेंगे। अच्छे से चलाते हुए फ्राई करेंगे। जब इसका प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लाइट पिंक हो जाएगा, तब हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को अच्छे से चलाते हुए फ्राई करेंगे। इसी बीच हम 4 खड़ी मिर्चें, जो लाल मिर्चें हैं, उसको हमने बड़े पीसेस में काट लिया है, वो डाल देंगे और उसको चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हींग डाल देंगे। अगर आपकी हींग स्ट्रॉन्ग स्मेल की हो तो आप इसमें 1/4 टीस्पून डालें। अच्छे से चलाते हुए इसको भी फ्राई कर लें। अगर आप टमाटर डालना चाहें तो इस टाइम टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिना टमाटर के ये सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मैं कम इंग्रेडिएंट में बना रही हूँ, इसलिए मैंने टमाटर नहीं डाला है। अब इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे प्याज को। प्याज गोल्डन फ्राई हो गई है, हम इसमें भिंडी डाल देंगे। सारी भिंडी डालने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून मिर्च डाल देंगे और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। हमने इसमें वैसे 1/2 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब इसको बहुत हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। हमें इस तरह मिक्स करना है कि भिंडी के बीज ना निकले, क्योंकि जब भिंडी के बीज निकलते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और लो फ्लेम पर पकने देंगे। लगभग 5 मिनट पकने के बाद हम इसको खोलेंगे और इसको हल्के हाथों से चला लेंगे ताकि ये नीचे से ना लगे। देखिए, इस तरह से हल्के हाथों से उठाएंगे और इस तरह से चम्मच शेक करते हुए मिक्स कर लेंगे। इसी तरह सारी सब्ज़ी हम मिक्स कर लेंगे, चला देंगे। अब इसको फिर से ढक्कन ढक देंगे और 5 मिनट के लिए फिर से लो फ्लेम पर पका लेंगे। 5 मिनट के बाद फिर से हम खोलते हैं और फिर से हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से इसको इस तरह से चम्मच शेक करते हुए मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। अब फिर से हम ढकते हैं और 5 मिनट के लिए फिर से लो फ्लेम पर हम पका लेंगे। 5 मिनट के बाद खोलते हैं, देखिए हमारी सब्ज़ी पककर तैयार हो गई है। देखिए, इसने ऑयल छोड़ दिया है किनारे, इसमें ऑयल नज़र आ रहा है। अच्छे से हमारी सब्ज़ी पक गई है और भुन गई है। हम चेक करते हैं, अच्छे से हमारी सब्ज़ी गल चुकी है। सब्ज़ी पकने में टोटल 15 मिनट लगे हैं। अब हम इसको फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और मन चाहे प्लेट में सर्व कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इसी तरह आपको मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।